मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन यूवन पाकिस्तान वुमेन नेशनल चेस चैंपियनशिप, तो कैसी फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, यहाँ का एनवायरनमेंट का बताओ कैसा लगा? एनवायरनमेंट भी अच्छा है और मैच भी काफी अच्छा। तो कंपटीशन आपका, पहले अपना स्कोर बताएं, स्कोर आपने कितना किया? 7 out of 7 इट्स मीन नो वन लूज एंड नो वन ड्रॉ, राइट? अच्छा, तो कहीं किसी ने मतलब कहीं नजर आया या आपने बस स्मूथली इजी विन कर ली गेम? आई थिंक मेरी गेम पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई है और मुझे खुद से ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आई? कोई टफ कंपटीशन नहीं लगा मुझे कहीं पर भी टफ कंपटीशन नहीं लगा? दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। और आपकी बहना ने भी यानी कि अलीना ने भी चैंपियनशिप विन की है, ठीक हो गया। तो महक अब आप लीड करोगे वुमेन टीम को इन वर्ल्ड चेस ओलंपियाड, तो वहाँ पर क्या प्लान है, वहाँ की भी तैयारी करनी है या बस आराम करना है? बिल्कुल, वहाँ के लिए मैंने तैयारी करनी है और वहाँ पर मेरा टारगेट है कि कोई टाइटल विन करूँ। टाइटल क्या जहन में है? WFM या फिर हम IIM का टाइटल। IIM का टाइटल, ओके महक वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बहुत बहुत मुबारक हो मिस ज़िनोबिया वासिफ जो कि 6-time पाकिस्तान नेशनल वुमेन चैंपियन है एंड वंस अगेन उन्होंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के लिए। मैम बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो कैसा रहा कंपटीशन और एनवायरनमेंट यहाँ का? ये हमारा पहला विजिट है गिलगित में और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत टफ कंपटीशन रहा और बहुत ही मज़ा आया और जो इस एनवायरनमेंट में खेलने का जो मज़ा है वो और कहीं नहीं है। और सबसे अच्छा मज़ा आया मुझे और जो टफ कंपटीशन था वो फर्स्ट बोर्ड पे था मिस महक गुल के साथ, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ और सब खिलाड़ियों को, सब विनर्स को। और ये कॉम्पिटिशन हम जो जितने हम फीमेल्स क्वालिफाई कर चुके अब हम जाए इंशाल्लाह चेन्नई इंडिया में वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये हमारी जो ओलंपियाड है वो स्टार्ट होगा 28 जुलाई से ऑनवर्ड्स, तो इंशाल्लाह बस हम कोशिश करेंगे कि हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन हो इंशाल्लाह। तो क्या एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमें प्लीज़ ये भी बताएं कि लास्ट टाइम जो ओलंपियाड हुआ था उसमें वुमेन के अंदर पाकिस्तान का रैंक क्या था? असल में ये टीम इवेंट होता है। यस, ठीक है, अगर एक खिलाड़ी भी कोई अच्छा परफॉर्म करता है और बाकी के खिलाड़ी नहीं कर सकते अच्छा परफॉर्म तो टीम की रेटिंग गिर जाती है। खैर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी वुमेन्स की टीम की इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन इस दफ़ा मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वर्ल्ड चेस ओलंपियाड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा, बहुत बहुत सबसे पहले आपको मुबारक हो क्योंकि आपने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के लिए, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो सबसे पहले तो आप हमें इस चैंपियनशिप के हवाले से बताएं कैसा कंपटीशन रहा आपके लिए? वालेकुम अस्सलाम, ये यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप करवाई थी जिसमें वुमेन की सेपरेट कैटेगरी थी कि जो है 5 लोगों की टीम सेलेक्ट कर सके जो इंटरनेशनल वर्ल्ड चेस ओलंपियाड जो इंडिया में हो जा रहा है उसमें सेलेक्ट करें। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये चैम्पियनशिप हुई, यहाँ पे फीडे के सारे रूल्स फॉलो हुए और बहुत मज़ा आया। 7 rounds की थी ये और मैंने उसमें से 5 विन किए हैं और 3rd रैंकिंग आई है। थर्ड रैंक आए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो नूर इस ये बताएं कि अब आपका आपने जाना है वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के लिए, तो अब क्या करना है, घर में बस सिर्फ इसको सेलिब्रेट करना है, आराम करना है या उसके लिए तैयारी भी करनी है? नहीं, ऑब्वियसली तैयारी करनी है, बल्कि हम फेडरेशन से बात करेंगे, जो नई फेडरेशन आई है अभी इनसे बात करेंगे कि हमारी जो वुमेन की टीम सेलेक्ट हुई है उनके लिए प्रॉपर एक कैंप हो और हमें प्रॉपर तैयारी करवाई जाए अच्छे कोच के अंडर, और कोच तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस उनको ऑर्गेनाइज ही करवाना पड़ेगा। नूर फातिमा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वर्ल्ड चेस ओलंपियाड चेन्नई। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ हैं सहरिश रहमान। सहरिश रहमान कॉन्ग्रेचुलेशन, यू क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड चेस ओलंपियाड। और यहाँ पहले बताएं आपकी यहाँ परफॉर्मेंस कैसे रही, कितना स्कोर किया और आपका क्या रैंक बना है? मेरे 7 out of 5 पॉइंट्स बने हैं और कंपटीशन काफ़ी टफ था, मैंने 2 लॉस किए हैं जिसकी वजह से मेरी 4 पोजीशन बनी है और बहुत मज़ा आया यहाँ पर मुझे पार्टिसिपेट करके, और मेरा ये फर्स्ट नेशनल था जिसके अंदर मैं फर्स्ट में ही टीम में सेलेक्ट हो गई।
ओके, आपने कहा कि अभी दो गेम लूज हुई, तो किससे लूज हुई है ये भी बताएं। मेरा एक महक से लूज हुआ है और एक अलीना जुल्फकार से लूज हुआ है, और बाकी आपकी सब गेम्स विन हुई है, राइट? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो यहाँ का आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा, क्योंकि गिलगित में फर्स्ट टाइम ये कंपटीशन हुआ है? जी, गिलगित में तो फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले लाहौर में भी होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा था, और मतलब रोज ही बारिश हो रही थी यहाँ पर, और हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ गिलगित में, और फर्स्ट टाइम हुआ है तो मतलब काफ़ी इंतजाम बहुत अच्छे थे। ओके सैरिश, तो वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में आप होपफुली फोर्थ बोर्ड पे खेलेंगी, वैसे तो ये मैनेजर का डिसीजन होता है, लेकिन फिर भी इम्कान यही है कि आप फोर्थ बोर्ड पर प्ले करेंगी, तो क्या एक्सपेक्टेशन को तैयारियां हैं करेंगी इसके लिए? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह नेशनल की तैयारी शुरू कर दी थी, इसी तरह मैं अब ओलंपियाड की भी तैयारी यहाँ से जाते ही शुरू कर दूँगी, और फिर उसके अंदर मैं कोशिश करूँगी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो सैरिश, बस एक आखिरी सवाल ये बताएं कि सिंस कितने प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया, मैं विमेन की बात कर रहा हूँ, सिंस से कितने प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के लिए? सिंस से दो ओलंपियाड के लिए सिलेक्ट हुई हैं गर्ल्स, जिसमें से मैम जुनूबिया तो पहले से ही सिलेक्ट होती रही हैं, वो जो है सेकंड पोजीशन है उनकी और मेरी फोर्थ है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर वर्ल्ड चेस ओलंपियाड चेन्नई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अलीना जाहिद, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपने वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई किया है। ओके, तो अलीना आपने इस मैच में कितना स्कोर किया, कितने पॉइंट्स बनाए बताएं? पॉइंट्स मेरे फाइव हैं और पोजीशन मेरी फिफ्थ है। आपकी फिफ्थ पोजीशन आई है, ओके। तो तैयारी काफ़ी प्रैक्टिस की थी इस नेशनल चेस चैंपियनशिप के लिए? जी काफ़ी की थी, काफ़ी एक्साइटेड थे हम लोग। यहाँ का गिलगित में क्योंकि ये कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पर आपका आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा, एंजॉय किया, मज़ा आया? जी बहुत एंजॉय किया, काफ़ी मतलब मज़ा आया, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा। तो अब वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के लिए भी तैयारी करनी है या बस एंजॉय करना है? हाँ जी करनी है, करनी है तैयारी। ओके अलीना, आपको बहुत मुबारक एक बार फिर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।